पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में सुजानपुर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शन में सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा के अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान सुजानपुर बाजार में कांग्रेसी नेताओं ने गाड़ी को रस्सियों से खींचकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम शिल्पी बेगटा के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हर ब्लॉक पर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में सुजानपुर में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती थी तो बीजेपी के नेता जरा से दाम बढ़ने पर सड़कों पर लेट जाते थे, तो आज बीजेपी क्यों चुप है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। पूरा प्रदेश में पूरे चुनाव क्षेत्रों में हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी जो सड़कों पर उतरी है, क्योंकि ये जो कॉल है हर चुनाव क्षेत्र में जो ये धरने और प्रदर्शन जो है महंगाई के खिलाफ किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय स्तर पर कॉल आई है और ये हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में जो है कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के खिलाफ बढ़ी हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जब पेट्रोल के 25 पैसे 50 पैसे दाम बढ़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर लंबे पड़ जाते थे, लेट जाते थे और यूपीए सरकार को पानी पी पी कर कोसते थे। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कच्चा तेल जो है $42 प्रति बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में है, उसमें $107 प्रति बैरल था, तो आज जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं 820% डीजल पे इन्होंने उत्पाद टैक्स लगा दिया है और उसी तरीके से पेट्रोल के दाम भी इन्होंने बढ़ाए हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर आ गए हैं। डीजल के दाम हमेशा जो है वो पेट्रोल से 15-20 रुपए का फर्क होता था, क्योंकि डीजल जो है आम आदमी से जुड़ा है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जब ट्रक में सामान लेके आते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है उससे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। ये कोई पेट्रोल डीजल वाला विषय नहीं है, ये हर चीज के खाद्य पदार्थों के भी दाम बढ़ रहे हैं और ये सरकार जो है लोगों पे टैक्स लगाकर लोगों को लूटने का काम कर रही है। यही कारण है कि आज सुजानपुर कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरी है और गाड़ी को खींच कर ये संदेश दिया है कि आने वाला समय जो है डीजल और पेट्रोल से लोग जो है वो गाड़ियां नहीं चला पाएंगे, खींच के ले जाना पड़ेगी, इसलिए कि सोई हुई और गूंगी और बैरी सरकार जागे, इसलिए प्रदर्शन हुआ है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आगामी दिनों में आने वाले पंचायत चुनावों के लिए भी कांग्रेस ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी का कैडर इकट्ठे होकर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे और हर जगह, हर जिला स्तर पर, हर प्रदेश स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर हमने ये प्रदर्शन किए और एक जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के माध्यम से अभी हमने दिया, इसी के खिलाफ कि महंगाई कम हो और जो जनता है जिस ढंग से बेरोजगारी से तड़प रही है और बहुत सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश सरकार करे, ये हमारी तरफ से मांग है। और जो पंचायत चुनाव जैसे दिसंबर में ड्यू है और म्यूनिसिपल कमेटी के भी ड्यू हैं, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। आपके तो MLA यहाँ पर काफ़ी ताकतवर तरीके से काम करते हैं, तो हमारी सभी की ये कोशिश होगी कि जितना हमारा पार्टी का कैडर है वो इकट्ठा हो एक प्लेटफॉर्म पे आकर, जो भी हमारे कैंडिडेट हों चाहे पंचायत स्तर पर हों, जो हमारे समर्थित कैंडिडेट होंगे या म्यूनिसिपल कमेटी में होंगे, उन सब का हमारे जो कार्यकर्ता है बढ़ चढ़ कर साथ देंगे।